दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं लाई की मुड़ी लड़ुआ बनाने के लिए। दोस्तों बहुत काफ़ी टेस्टी दोस्तों लड़ुआ बना के तैयार करेंगे। इस लड़ुआ को आप महीने दो महीने रख कर खा भी सकते हैं। ये लड़ुआ बहुत काफ़ी टेस्टी बना है। गुड़ और लाई से लड़ुआ बना के कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं घर पे बहुत आसान तरीके से बिना फटे हुए। दोस्तों छोटी छोटी बात की आप लोग को जानकारियाँ देंगे। ये लड़ुआ देख रहे हैं कि फूट से भी नहीं फूटा बनाया गया है लड़ुआ है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या मिश्रा के किचन में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ठंड दोस्तों ज़्यादा पड़ रहा है तो कोई भी अच्छे नहीं है ठंड से। आज दोस्तों मैं अपने किचन में चल रही, बहुत लेट हो गया है लड्डुआ बनाने के लिए लाई का। दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा है कि दीदी कब आप लड्डुआ बना रही हैं, तो आज चल रहा है मेरे किचन में बनने के लिए। तो मेरे घर पर देख रहे हैं कि कोई भी वीडियो बन नहीं पा रहा है, रात में बन रहा है जो भी वीडियो बन रहा है। तो रात में बज रहा है, आठ बज रहा है, आठ बजे रात में बनाने चल रहे हैं लड्डुआ को हम। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को हमने भून कर छिलका उतार के रख लिया है। तो लड्डुआ दोस्तों सभी लोग बनाना जानते हैं कि काफ़ी टेस्टी लड्डुआ कैसे लाई का लगता है मुड़ी का। तो चलिए आप लोग को बना के बताते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हमने गड़ी को क्या किए हैं, सबसे पहले चस लिए हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो मत हो आप लोग का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे तिल को हमने अच्छे से सोन टाइप में भून लिए हैं। तिल में से जब अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो जाने तिल हमारा अच्छे से भुना गया है। तिल जैसे देखते हैं एक कटोरा डालते हैं तो दो कटोरा हो जाता है फूल के तिल। जब हम भूनते हैं तिल को तो तिल हमारा भुनाता है थोड़ा सा तो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो सोट होता है, आप लोग देखते हैं कि सोट होता है बहुत सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, गर्म टाइप ही रहता है सेहत जो है सोट। तो यहाँ पे देखिए हमने पीस कर इसको उठा लिया है। आपके पास सोट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, अदरक के टुकड़े भी इसमें पीस कर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए लाई ले लिए हैं और लाई को एक साइड कर देंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे गुड़ ले लिए हैं, सभी चीज़ को एक साइड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गोले में आज हम बनाएंगे, क्योंकि जैसे देखते हैं कढ़ाई में बनाते हैं तो कढ़ाई में से ऊपर आने लगता है, गिरने का डर रहता है। तो भगोले में बनाएंगे तो नहीं गिरने का डर रहेगा। और इधर देख रहे हैं कि मेरे हाथ से जैसे देख रहे हैं आटा नहीं उठाता है, तो सरगम यहाँ पे देख रहे हैं कि आटा गूंथ रहे हैं बैठ के रात के टाइम में। तो सरगम भी जैसे देखते हैं कि एक हाथ से हम आटे को गोले बनाते हैं, उसी तरह से देखिए सरगम शर्मा रही है अब यहाँ पे। तो सरगम को भी जैसे देखते हैं कि अभी आटे उठे उतना गूंथने नहीं आता, कि तभी क्या करें हमारी तबीयत जैसे खराब हुआ है तब से वो बहुत हमारे हेल्प करती हैं। तो रात में वो आटा का डो तैयार कर रहे हैं, हम सोचे तब तक लड्डू बना के हम तैयार कर दें। और उसके बाद जैसे देखें कि यहाँ पे हम इसको निकाल लें, यहाँ पे देखिए हम गुड़ निकाल रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसी तरह से सब निकाल, जैसे देख रहे हैं कि एक केजी आपका लाई है तो लाई में आधे केजी गुड़ इस्तेमाल इसमें करेंगे तो अच्छे से आपका लड्डू बन के तैयार हो जाता है। जैसे देखते हैं काफ़ी जो गाढ़ा रहता है, जब गुड़ जो रहता है तो आप लोग इसको बोलते हैं देरी, जब ज़्यादा रहता है जैसे देखते हैं मोटा साइज में रहता है, पतला नहीं रहता है तो तीन पाव भी आपका लग जा सकता है। आई पतला गुड़ रहता है, जैसे देखिए पतला हम निकाल रहे हैं इसको जो है, ये थोड़ा सा पतले साइज में है आप लोग देख सकते हैं। और जो जम गया है देखिए यहाँ पे आरी बगल में इसको जम गया है सारा, ऐसे रहेगा आपको जैसे देखते हैं तो ये आधे के जी भी अच्छे से हो जाता है बन के तैयार। तो इसको हमने निकाल लेना इस तरह से। तो ये बहुत जैसे देख रहे हैं दो महीना हो चुका है गुड़ बने हुए, तो इसको हम देखिए निकाल रहे हैं। अभी हमारा गन्ना पिराया नहीं है उतना, तो इसको हमने निकाल रहे हैं। तो गैस को जलाएंगे, अब इधर देखिए जलाकर इसको क्या करेंगे, गुड़ को पिघलाएंगे। पहले आप भेली इसमें डाल रहे हैं तो भेली में आधे गिलास आपको पानी डालना है, नहीं तो भेली हमारा जैसे नीचे से जलने लगेगा और वो जैसे लट्टू टाइप में बन जाएगा तो अच्छे से लड़ुआ लाई का नहीं बन पाता है। तो उसमें आपको आधे गिलास पानी डालना जरूरी रहता है। जैसे देख रहे हैं आपका एक केजी है तो उसमें एक कलछुल से जैसे देखते हैं छोटे बड़े जैसे कलछुल होता है उससे पानी डाल सकते हैं। और आपका दो केजी के गुड़ का बना रहे हैं भेली का तो उसमें एक गिलास पानी आपको डालना जरूरत है, क्योंकि भेली जब तक अच्छे से गलेगा नहीं तब तक वो लड़ुआ अच्छे से बनने लगे तैयार नहीं, चटोरा हो जाता है वजह से। अब इसको देखिए मीडियम आज भी इसलिए कर रहे हैं, बड़े भगोला रखे हैं, करिए रहता है तो करिए से ऊपर फंफा के आ जाता है, गिरना डर रहता है और संभाल भी नहीं आता है। कितनों भी हम चूल्हा गैस को बंद करने की कोशिश करेंगे तो क्या से, इसलिए अब इसको देखिए इसी में हम गलाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड़ में उबाल आ गया है, इसमें हम डालेंगे सोट जो है। यहाँ पे अदरक को हमने इसको डाल रहे हैं पिसे हुए हैं, आप सोट भी डाल सकते हैं। इससे जैसे सेहत के लिए हमारे थोड़ा सा गर्माहट रहता है, लड्डू खाने में बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। अब इसको डालकर देखिए इस तरह से हम चलाएंगे, पहले इसको लगातार आपको चलाना है और जरा सा छोड़ देंगे तो जलना ये स्टार्ट हो जाता है और चारों तरफ से आपको इस तरह से चलाना है।
अब इसमें देखिए लाई को हम निकाल ले रहे हैं। अब गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाई बनने लायक लड़ुआ तैयार हो चुका है गुड़, तो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। इसमें अब लाई को एक साइड करेंगे। अब मिलाएंगे हम तिल को, एक साथ में सभी तिल को नहीं मिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी मिलाएंगे। अब यहाँ पे इसमें डालेंगे मूंगफली को। मूंगफली को डालने के बाद से यहाँ पे गड़ी हम डाल लेंगे। गड़ी को आप चस्की भी डाल सकते हैं। ये काट कर डालने पे थोड़ा सा देखने में लड़ुआ अच्छा लगता है, खाने भी टेस्ट लगता है। जब हम लड़ुआ को खाते हैं लाई वाला, तो मूंगफली या गड़ी हमारे मुंह में जब आता है तो और काफ़ी टेस्ट लगता है। अब यहाँ पे मिला लिए हम इस तरह से। अब इसको साइड कर देंगे लाई को, पलटा दो जी। थोड़ी सी पहले हम डाल ले रहे हैं, आइए इसका पहचान रहता है। अब डालकर इसको मिलाएंगे पहले, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे लड्डू बनने लायक कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। उठाएंगे इसको, तो ये देखिए बनने लायक अभी हल्का सा तैयार नहीं हुआ है, अच्छे से भी नहीं बन पा रहा है। देखिए आप लोग, यही इसका पहचान रहता है। तो अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे हम। तो पहले जब लड्डू को डालेंगे इसमें, ये अच्छे से बढ़ाया जाता है, पहले छितरा जा रहा है, इसको थोड़ी देर और पका ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लड्डू इस तरह से बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से लड़ुआ को हम रखते जा रहे हैं। हाथ में जैसे देखते हैं घी लगाएंगे, चाहे कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब इस तरह से लड्डुआ को उठाएंगे और फिर इसको हम इसी तरह से छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह से इसको टाइट हाथ से आपको बांधना है। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए सारा लड्डुआ बना के तैयार करेंगे हम और यहाँ पे रखते जाएंगे इस तरह से लड्डुआ को। तो चलिए सभी लड्डुआ को बनाकर फिर आप लोग से मिलते हैं। इतना सारा लड्डू पड़ा गया हमारा, तो हम अकेले नहीं पा रहे हैं, जैसे देख रहे खास से हम सबसे पा रहे हैं। तो दीदी थी दोस्तों, तो वही परवाई है सारा लड्डू को। यहाँ पे लड्डू पार के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, एक लाइक करके जाइएगा। ये लड्डू जो है बहुत काफ़ी टेस्टी बन के तैयार है। छोटे बड़े जैसे आप लोग बनाना चाहते हैं लड्डू को, उस तरह से लड्डू को बना सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लाई का लड्डू हमारा मुड़ी का कैसा बन के तैयार हुआ है।